नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल के ग्राम भौरी के पास मौजा मौज प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में पांच कुंडली महायज्ञ चल रहा है। यज्ञाचार्य एवं भक्तगणों से यज्ञ की विशेषता समझी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे हुए गांव में यज्ञ पे यज्ञ हुए जा रहे हैं, वो देखना होगा यज्ञ कहाँ कहाँ हो रहे हैं। यही मौजा का मौजा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे यज्ञाचार्य, क्या नाम है आचार्य? कथा भी हो रही थी, कितने टाइम कथा का? कथा का समय 12 से 3। दूर दराज से लोग कितने आ रहे भक्त? लगभग 2000 से 3000 समथिंग पहुँच रही है, और जनता पढ़ने को मिल रही है। यज्ञ से होता क्या है? यज्ञ जून के महीने में होते हैं। यज्ञ से ये होता है, शास्त्र में ये बताया गया है कि यज्ञ होने से जो है आजू बाजू 10-10, 15-15 किलोमीटर के बीच में कहीं पे दुर्घटना है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, और इसके जो हवन से जो धुआं निकलता है उससे जो है खेती और बारिश और फसलें, इस तरह के बहुत से फायदे हैं। बीमारी नहीं होती है, बीमारियां नहीं होती है, किसानों को काफी फायदा होता है। ऐसी जो कीटाणु में पड़ते हैं वो नहीं पड़ते हैं, ऐसा बताया जाता है शास्त्र द्वारा। इसलिए हम गांव में यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण यज्ञ होता है हिंदू धर्म में परंपरा के, यज्ञ से बारिश होती है, उसका क्या विशेषता है? पूर्व के समय के अंदर जो राक्षसों का शासन तंत्र हो गया जी जी, तो उस समय वैदिक ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ होम यज्ञ किया जाता था, जिससे देवताओं को पुष्टि मिलती थी जी जी। तो उस यज्ञ के अंदर ये व्यवधान पैदा करते थे कि बरसात ना हो, व्यक्ति सुकून से जीवन ना जिए, तो ऐसे ही राक्षसों को भगाने के निमित्त रक्षो दिग रक्षण के भी मंत्र यहाँ पे गाए जाते हैं। और यज्ञ की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि विज्ञान का एक प्रमाण है कि रशिया के अंदर एक जगह बहुत सारे व्यक्ति को कत्लेआम कर दिया गया, वहाँ पर कुत्ते बिल्ली आदि नहीं रुकते थे, बांध के देखे गए, और काशी से ले जा करके वहाँ वैदिकों से पारायण करवाया गया। पारायण के प्रभाव से जहाँ वो नकारात्मक ऊर्जा का जो संचार था वो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बदल गया। ये ऊर्जा तथा ओरा, और जो मनुष्य में आजकल श्वास की बीमारी जो देखी जाती है और नाना प्रकार के रोग जो वायु के अंदर हैं व्याप्त हो रहे हैं, ये सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा यहाँ पे हवन किया जाता है, या वो जो स्वाहाकार के जो मंत्र होते हैं उनके प्रभाव से नाना प्रकार के रोगों का भी निवारण होता है और व्यक्ति की मंगल कामना की पूर्ति। देख सकते हैं खासतौर पर यज्ञ हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग भक्तगण यहाँ पर है। 12 तारीख की यहाँ पूरा होती है, देखना होगा कितने भक्त आएंगे। नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, प्राचीन हनुमान मंदिर। खबर समय जगत के लिए भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।